Today we are going to do yoga flow 45 repeated 8 times. Let's get started. Standing position, hands join knee joint, stomach point pe dekho. Now spread your legs as much as you can. Hath interlocked, hath upar and stretch towards left side. Right hand ko dekhte rehna hai. Hips ko bahar nahi nikalna hai, sirf side bend karna hai. Keep stretching and keep stretching. Now change towards right side. Left hand ko dekhte rehna hai. Upar wale hath ko dekhte rehna hai. Keep stretching. Hips ka position change nahi hoga aur side bend karte rehna hai. Change right toe tip out. Hath piche mutti band. Forward bend and shoulder stretch towards right leg. अपना सर नीज को टच करके शोल्डर आगे लेने का ट्राई करो, हाथ को आगे लेने का ट्राई करो. हैंड चेंज, नाउ लेफ्ट टू टिप आउट, फॉरवर्ड बेंड एंड शोल्डर स्ट्रेच टुवर्ड्स लेफ्ट लेग. कीप स्ट्रेचिंग, नाइस एंड इजी. कीप स्ट्रेचिंग एंड चेंज, ड्रॉप डाउन योर नीज, हाथ स्ट्रेट आगे एंड चेस्ट स्ट्रेच करना है. जितना हो सके हाथों को स्ट्रेच आगे लेके जाओ. कोर अंदर खींच के रखना है एंड चेस्ट स्ट्रेच करना है. अपना चेस्ट जमीन पे टच करने का ट्राई करो. कीप स्ट्रेचिंग, नाइस एंड इजी. कीप स्ट्रेचिंग. चेंज यही पोजीशन में, एल्बो डाउन करना है, हाथों से नमस्ते करना है, सामने देखना है, कोर अंदर खींच के रखना है और चेस्ट को जमीन पे टच करने का ट्राई करना है. फील द नाइस स्ट्रेच इन योर चेस्ट एंड शोल्डर्स. कीप स्ट्रेचिंग. चेंज सेम पोजिशन. नाउ सर नीचे टच करना है, हाथ पीछे मुट्ठी बंद करनी है एंड शोल्डर स्ट्रेच करना है. बॉडी को आगे पुश करते हुए हाथों को आगे लेके आने का ट्राई करो. जितना हो सके हाथों को आगे लेके जाने का ट्राई करो. कीप स्ट्रेचिंग, नाइस. चेंज यही पोजीशन में. नाउ लेफ्ट हैंड नीडल, लेफ्ट हैंड पूरा अंदर डालना है. राइट हैंड ट्विस्ट करते हुए अपोजिट थाई पकड़ना है एंड ट्विस्ट को इंक्रीज करना है. ट्राई टू इंक्रीज द स्ट्रेच एज मच एज पॉसिबल. अपोजिट वॉल देखने का ट्राई करो. चेंज यही पोजीशन में. राइट हैंड अंदर नीडल डालना है, शोल्डर डाउन करना है. ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट हैंड से आपका अपोजिट थाई पकड़ना है एंड थाई का हेल्प लेते हुए ट्विस्ट को इंक्रीज करना है. अपोजिट साइड देखने का ट्राई करो. नाउ चेंज, पैर सामने लो, लाई डाउन योर बैक. गेट रेडी फॉर डीप ब्रिज, यानी चक्रासन के लिए रेडी हो जाओ. हाथ और पैर स्ट्रेट करने हैं एंड अप होल्ड. जितना हो सके स्ट्रेच करके होल्ड करने का ट्राई करो. दोनों हाथ और पैर स्ट्रेट करने का ट्राई करो. कीप स्ट्रेचिंग. नाउ चेंज, पैर स्ट्रेट. नाउ आपको राइट पैर फोल्ड करना है. लेफ्ट एल्बो टुवर्ड्स राइट नी, हाथ अटका दो, एंकल पकड़ो और ट्विस्ट करो. जिसको पॉसिबल है उसने हैंड्स इन डालना है, पीछे से पकड़ लेना है एंड लाई डाउन करना है. कीप स्ट्रेचिंग, ट्विस्ट को इंक्रीज करो. ऑपोजिट वॉल देखने का ट्राई करो. चेंज, चेंज द लेग. लेफ्ट लेग ऊपर, राइट एल्बो टुवर्ड्स लेफ्ट नी, हाथ अटका दो, एंकल पकड़ो, हाथ पीछे एंड ट्विस्ट. जिसको पॉसिबल है उसने अंदर से हाथ डालना है, पीछे से पकड़ना है एंड लाई डाउन करना है. दोनों प्लेक्स स्ट्रेट. चेंज, नाउ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करो. टोटोज करके नी स्ट्रेट करने का ट्राई करो. जिसको पॉसिबल है पाम्स नीचे टच करके नी स्ट्रेट करने का ट्राई करो. एंड स्टैंडिंग पोजीशन. ब्रेक फॉर 30 सेकेंड्स. Standing position, hands join knee joint, stomach point pe dekho. Now spread your legs as much as you can. Hath interlocked, hath upar and stretch towards left side. Right hand ko dekhte rehna hai. Hips ko bahar nahi nikalna hai, sirf side bend karna hai. Keep stretching and keep stretching. Now change towards right side. Left hand ko dekhte rehna hai.
ऊपर वाले हाथ को देखते रहना है, कीप स्ट्रेचिंग, हिप्स का पोजीशन चेंज नहीं होगा और साइड बेंड करते रहना है। चेंज राइट टू टिप आउट, हाथ पीछे मुट्ठी बंद, फॉरवर्ड बेंड एंड शोल्डर स्ट्रेच टुवर्ड्स राइट लेग। अपना सर नीज को टच करके शोल्डर आगे लेने का ट्राई करो, हाथ को आगे लेने का ट्राई करो। एंड चेंज नाउ लेफ्ट टू टिप आउट, फॉरवर्ड बेंड एंड शोल्डर स्ट्रेच टुवर्ड्स लेफ्ट लेग। कीप स्ट्रेचिंग नाइस एंड ईजी, keep stretching and change, drop down your knees, heart straight aage and chest stretch karna hai, jitna ho sake haathon ko stretch aage leke jao, core andar kheench ke rakhna hai and chest stretch karna hai, apna chest zameen pe touch karne ka try karo, keep stretching nice and easy, keep stretching, change yahi position mein, elbow down karna hai, haathon se namaste karna hai, samne dekhna hai, कोर अंदर खींच के रखना है और चेस्ट को जमीन पे टच करने का ट्राई करना है। फील द नाइस स्ट्रेच इन योर चेस्ट एंड शोल्डर्स, कीप स्ट्रेचिंग, चेंज सेम पोजीशन, नाउ सर नीचे टच करना है, हाथ पीछे मुट्ठी बंद करनी है एंड शोल्डर स्ट्रेच करना है, बॉडी को आगे पुश करते हुए हाथों को आगे लेके आने का ट्राई करो, जितना हो सके हाथों को आगे लेके जाने का ट्राई करो, कीप स्ट्रेचिंग नाइस, चेंज यही पोजिशन में, नाउ लेफ्ट हैंड नीडल, लेफ्ट हैंड पूरा अंदर डालना है, राइट हैंड ट्विस्ट करते हुए अपोजिट थाई पकड़ना है एंड ट्विस्ट को इंक्रीज करना है, ट्राई टू इंक्रीज द स्ट्रेच एज मच एज पॉसिबल, अपोजिट वॉल देखने का ट्राई करो, चेंज यही पोजिशन में राइट हैंड अंदर नीडल डालना है, शोल्डर डाउन करना है, ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट हैंड से आपका अपोजिट थाई पकड़ना है एंड थाई का हेल्प लेते हुए ट्विस्ट को इंक्रीज करना है, अपोजिट साइड देखने का ट्राई करो, नाउ चेंज पैर सामने लो, लाई डाउन योर बैक, गेट रेडी फॉर डीप ब्रिज यानी चक्रासन के लिए रेडी हो जाओ, हाथ और पैर स्ट्रेट करने हैं एंड अप होल्ड, जितना हो सके स्ट्रेच करके होल्ड करने का ट्राई करो, दोनों हाथ और पैर स्ट्रेट करने का ट्राई करो, कीप स्ट्रेचिंग नाउ चेंज स्ट्रेट, नाउ आपको राइट पैर फोल्ड करना है, लेफ्ट एल्बो टुवर्ड्स राइट नी, हाथ अटका दो, एंकल पकड़ो और ट्विस्ट करो, जिसको पॉसिबल है उसने हैंड्स इन डालना है, पीछे से पकड़ लेना है एंड लाई डाउन करना है, कीप स्ट्रेचिंग, ट्विस्ट को इंक्रीज करो, ऑपोजिट वॉल देखने का ट्राई करो, चेंज चेंज द लेग, लेफ्ट लेग ऊपर, राइट एल्बो टुवर्ड्स लेफ्ट नी, हाथ अटका दो, एंकल पकड़ो, हाथ पीछे एंड ट्विस्ट, जिसको पॉसिबल है उसने अंदर से हाथ डालना है, पीछे से पकड़ना है एंड लाई डाउन करना है, दोनों प्लेक्स स्ट्रेट, चेंज नाउ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करो, टोटोज करके नी स्ट्रेट करने का ट्राई करो, जिसको पॉसिबल है पाम्स नीचे टच करके नी स्ट्रेट करने का ट्राई करो, एंड स्टैंडिंग पोजिशन, ब्रेक फॉर 30 seconds, पोजीशन, हैंड्स जॉइन नी जॉइन, सामने पॉइंट पे देखो, नाउ स्प्रेड योर लेग्स एज मच एज यू कैन, हाथ इंटरलॉक्ड, हाथ ऊपर एंड स्ट्रेच टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, राइट हैंड को देखते रहना है, हिप्स को बाहर नहीं निकालना है, सिर्फ साइड बेंड करना है, कीप स्ट्रेचिंग एंड कीप स्ट्रेचिंग, नाउ चेंज टुवर्ड्स राइट साइड, लेफ्ट हैंड को देखते रहना है, ऊपर वाले हाथ को देखते रहना है, कीप स्ट्रेचिंग, हिप्स का पोजीशन चेंज नहीं होगा और साइड बेंड करते रहना है, चेंज राइट टू टिप आउट, हाथ पीछे मुट्ठी बंद, फॉरवर्ड बेंड एंड शोल्डर स्ट्रेच टुवर्ड्स राइट लेग, अपना सर नीज को टच करके शोल्डर आगे लेने का ट्राई करो, हाथ को आगे लेने का ट्राई करो, एंड चेंज नाउ लेफ्ट टू टिप आउट, फॉरवर्ड बेंड एंड शोल्डर स्ट्रेच टुवर्ड्स लेफ्ट लेग, कीप स्ट्रेचिंग नाइस एंड ईजी, कीप स्ट्रेचिंग एंड चेंज,
ड्रॉप डाउन योर नीज, हाथ स्ट्रेट आगे एंड चेस्ट स्ट्रेच करना है, जितना हो सके हाथों को स्ट्रेच आगे लेके जाओ, कोर अंदर खींच के रखना है एंड चेस्ट स्ट्रेच करना है, अपना चेस्ट जमीन पे टच करने का ट्राई करो, कीप स्ट्रेचिंग नाइस एंड इजी, कीप स्ट्रेचिंग, चेंज यही पोजिशन में, एल्बो डाउन करना है, हाथों से नमस्ते करना है, सामने देखना है, कोर अंदर खींच के रखना है और चेस्ट को जमीन पे टच करने का ट्राई करना है, फील द नाइस स्ट्रेच इन योर चेस्ट एंड शोल्डर्स, कीप स्ट्रेचिंग, चेन सेम पोजिशन, नाउ सर नीचे टच करना है, हाथ पीछे मुट्ठी बंद करनी है एंड शोल्डर स्ट्रेच करना है, बॉडी को आगे पुश करते हुए हाथों को आगे लेके आने का ट्राई करो, जितना हो सके हाथों को आगे लेके जाने का ट्राई करो, कीप स्ट्रेचिंग, नाइस चेंज यही पोजिशन में, नाउ लेफ्ट हैंड नीडल, लेफ्ट हैंड पूरा अंदर डालना है, राइट हैंड ट्विस्ट करते हुए अपोजिट थाई पकड़ना है एंड ट्विस्ट को इंक्रीज करना है, ट्राई टू इंक्रीज द स्ट्रेच एज मच एज पॉसिबल, अपोजिट वॉल देखने का ट्राई करो, चेंज यही पोजिशन में, राइट हैंड अंदर नीडल डालना है, शोल्डर डाउन करना है, ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट हैंड से आपका अपोजिट थाई पकड़ना है एंड थाई का हेल्प लेते हुए ट्विस्ट को इंक्रीज करना है, अपोजिट साइड देखने का ट्राई करो, नाउ चेंज, पैर सामने लो, लाई डाउन योर बैक, गेट रेडी फॉर डीप ब्रीथ, यानी चक्रासन के लिए रेडी हो जाओ, हाथ और पैर स्ट्रेट करने हैं एंड अप, होल्ड जितना हो सके स्ट्रेच करके होल्ड करने का ट्राई करो, दोनों हाथ और पैर स्ट्रेट करने का ट्राई करो, कीप स्ट्रेचिंग, नाउ चेंज, पैर स्ट्रेट, नाउ आपको राइट पैर फोल्ड करना है, लेफ्ट एल्बो टुवर्ड्स राइट नी, हाथ अटका दो, एंकल पकड़ो और ट्विस्ट करो, जिसको पॉसिबल है उसने हैंड्स इन डालना है, पीछे से पकड़ लेना है एंड लाई डाउन करना है, कीप स्ट्रेचिंग, ट्विस्ट को इंक्रीज करो, ऑपोजिट वॉल देखने का ट्राई करो, चेंज चेंज द लेग, लेफ्ट लेग ऊपर, राइट एल्बो टुवर्ड्स लेफ्ट नी, हाथ अटका दो, एंकल पकड़ो, हाथ पीछे एंड ट्विस्ट, जिसको पॉसिबल है उसने अंदर से हाथ डालना है, पीछे से पकड़ना है एंड लाई डाउन करना है, दोनों प्लेक स्ट्रेट, चेंज, नाउ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करो, टोटोज करके नी स्ट्रेट करने का ट्राई करो, जिसको पॉसिबल है पाम्स नीचे टच करके नी स्ट्रेट करने का ट्राई करो, एंड स्टैंडिंग पोजिशन, ब्रेक फॉर 30 seconds. Hands join knee joint, stomach point pe dekho, now spread your legs as much as you can, hath interlocked, hath upar and stretch towards left side, right hand ko dekhte rehna hai, hips ko bahar nahi nikalna hai, sirf side bend karna hai, keep stretching and keep stretching, now change towards right side, left hand ko dekhte rehna hai, upar wale hath ko dekhte rehna hai, keep stretching, hips ka position change nahi hoga aur side bend karte rehna hai, चेंज राइट टू टिप आउट, हाथ पीछे मुट्ठी बंद, फॉरवर्ड बेंड एंड शोल्डर स्ट्रेच टुवर्ड्स राइट लेग, अपना सर नीज को टच करके शोल्डर आगे लेने का ट्राई करो, हाथ को आगे लेने का ट्राई करो, एंड चेंज, नाउ लेफ्ट टू टिप आउट, फॉरवर्ड बेंड एंड शोल्डर स्ट्रेच टुवर्ड्स लेफ्ट लेग, कीप स्ट्रेचिंग नाइस एंड ईजी, कीप स्ट्रेचिंग एंड चेंज, ड्रॉप डाउन योर नीज, हाथ स्ट्रेट आगे एंड चेस्ट स्ट्रेच करना है, जितना हो सके हाथों को स्ट्रेच आगे लेके जाओ, कोर अंदर खींच के रखना है एंड चेस्ट स्ट्रेच करना है, अपना चेस्ट जमीन पे टच करने का ट्राई करो, कीप स्ट्रेचिंग नाइस एंड इजी, कीप स्ट्रेचिंग, चेंज यही पोजिशन में, एल्बो डाउन करना है, हाथों से नमस्ते करना है, सामने देखना है, कोर अंदर खींच के रखना है और चेस्ट को जमीन पे टच करने का ट्राई करना है, फील द नाइस स्ट्रेच इन योर चेस्ट एंड शोल्डर्स, कीप स्ट्रेचिंग, चेंज सेम पोजिशन, नाउ सर नीचे टच करना है, हाथ पीछे मुट्ठी बंद करनी है,
एंड शोल्डर स्ट्रेच करना है। बॉडी को आगे पुश करते हुए हाथों को आगे लेके आने का ट्राई करो, जितना हो सके हाथों को आगे लेके जाने का ट्राई करो। कीप स्ट्रेचिंग, नाइस, चेंज यही पोजिशन में। नाउ लेफ्ट हैंड नीडल, लेफ्ट हैंड पूरा अंदर डालना है, राइट हैंड ट्विस्ट करते हुए अपोजिट थाई पकड़ना है एंड ट्विस्ट को इंक्रीज करना है। ट्राई टू इंक्रीज द स्ट्रेच एज मच एज पॉसिबल, अपोजिट वॉल देखने का ट्राई करो। चेंज यही पोजिशन में, राइट हैंड अंदर नीडल डालना है, शोल्डर डाउन करना है, ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट हैंड से आपका अपोजिट थाई पकड़ना है एंड थाई का हेल्प लेते हुए ट्विस्ट को इंक्रीज करना है, अपोजिट साइड देखने का ट्राई करो। नाउ चेंज, पैर सामने लो, लाई डाउन योर बैक, गेट रेडी फॉर डीप ब्रीथ यानी चक्रासन के लिए रेडी हो जाओ, हाथ और पैर स्ट्रेट करने हैं एंड अप होल्ड, जितना हो सके स्ट्रेच करके होल्ड करने का ट्राई करो, दोनों हाथ और पैर स्ट्रेट करने का ट्राई करो। कीप स्ट्रेचिंग, नाउ चेंज, पैर स्ट्रेट, नाउ आपको राइट पैर फोल्ड करना है, लेफ्ट एल्बो टुवर्ड्स राइट नी, हाथ अटका दो, एंकल पकड़ो और ट्विस्ट करो, जिसको पॉसिबल है उसने हैंड्स इन डालना है, पीछे से पकड़ लेना है एंड लाई डाउन करना है। कीप स्ट्रेचिंग, ट्विस्ट को इंक्रीज करो, ऑपोजिट वॉल देखने का ट्राई करो। चेंज, चेंज द लेग, लेफ्ट लेग ऊपर, राइट एल्बो टुवर्ड्स लेफ्ट नी, हाथ अटका दो, एंकल पकड़ो, हाथ पीछे एंड ट्विस्ट, जिसको पॉसिबल है उसने अंदर से हाथ डालना है, पीछे से पकड़ना है एंड लाई डाउन करना है, दोनों प्लेक्स स्ट्रेट। चेंज, नाउ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करो, टोटोज करके नी स्ट्रेट करने का ट्राई करो, जिसको पॉसिबल है पाम्स नीचे टच करके नी स्ट्रेट करने का ट्राई करो एंड स्टैंडिंग पोजिशन, ब्रेक फॉर 30 seconds। स्टैंडिंग पोजिशन, हैंड्स जॉइन नी जॉइन, सामने पॉइंट पे देखो, नाउ स्प्रेड योर लेग्स एज मच एज यू कैन, हाथ इंटरलॉक्ड, हाथ ऊपर एंड स्ट्रेच टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, राइट हैंड को देखते रहना है, हिप्स को बाहर नहीं निकालना है, सिर्फ साइड बेंड करना है। कीप स्ट्रेचिंग एंड कीप स्ट्रेचिंग, नाउ चेंज टुवर्ड्स राइट साइड, लेफ्ट हैंड को देखते रहना है, ऊपर वाले हाथ को देखते रहना है, कीप स्ट्रेचिंग, हिप्स का पोजीशन चेंज नहीं होगा और साइड बेंड करते रहना है। चेंज, राइट टो टिप आउट, हाथ पीछे मुट्ठी बंद, फॉरवर्ड बेंड एंड शोल्डर स्ट्रेच टुवर्ड्स राइट लेग, अपना सर नीज को टच करके शोल्डर आगे लेने का ट्राई करो, हाथ को आगे लेने का ट्राई करो एंड चेंज, नाउ लेफ्ट टो टिप आउट, फॉरवर्ड बेंड एंड शोल्डर स्ट्रेच टुवर्ड्स लेफ्ट लेग, कीप स्ट्रेचिंग, नाइस एंड ईजी, कीप स्ट्रेचिंग एंड चेंज, ड्रॉप डाउन योर नीज, हाथ स्ट्रेट आगे एंड चेस्ट स्ट्रेच करना है, जितना हो सके हाथों को स्ट्रेच आगे लेके जाओ, कोर अंदर खींच के रखना है एंड चेस्ट स्ट्रेच करना है, अपना चेस्ट जमीन पे टच करने का ट्राई करो। कीप स्ट्रेचिंग, नाइस एंड ईजी, कीप स्ट्रेचिंग, चेंज यही पोजिशन में, एल्बो डाउन करना है, हाथों से नमस्ते करना है, सामने देखना है, कोर अंदर खींच के रखना है और चेस्ट को जमीन पे टच करने का ट्राई करना है, फील द नाइस स्ट्रेच इन योर चेस्ट एंड शोल्डर्स, कीप स्ट्रेचिंग, चेन सेम पोजिशन, नाउ सर नीचे टच करना है, हाथ पीछे मुट्ठी बंद करनी है एंड शोल्डर स्ट्रेच करना है, बॉडी को आगे पुश करते हुए हाथों को आगे लेके आने का ट्राई करो, जितना हो सके हाथों को आगे लेके जाने का ट्राई करो। कीप स्ट्रेचिंग, नाइस, चेंज यही पोजिशन में, नाउ लेफ्ट हैंड नीडल, लेफ्ट हैंड पूरा अंदर डालना है, राइट हैंड ट्विस्ट करते हुए अपोजिट थाई पकड़ना है एंड ट्विस्ट को इंक्रीज करना है। ट्राई टू इंक्रीज द स्ट्रेच एज मच एज पॉसिबल, अपोजिट वॉल देखने का ट्राई करो। चेंज यही पोजिशन में, राइट हैंड अंदर नीडल डालना है, शोल्डर डाउन करना है, ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट हैंड से
आपका अपोजिट थाई पकड़ना है एंड थाई का हेल्प लेते हुए ट्विस्ट को इंक्रीज करना है, अपोजिट साइड देखने का ट्राई करो। नाउ चेंज, पैर सामने लो, लाई डाउन योर बैक, गेट रेडी फॉर डीप ब्रीथ, यानी चक्रासन के लिए रेडी हो जाओ, हाथ और पैर स्ट्रेट करने हैं एंड अप, होल्ड, जितना हो सके स्ट्रेच करके होल्ड करने का ट्राई करो, दोनों हाथ और पैर स्ट्रेट करने का ट्राई करो, कीप स्ट्रेचिंग। नाउ चेंज, पैर स्ट्रेट, नाउ आपको राइट पैर फोल्ड करना है, लेफ्ट एल्बो टुवर्ड्स राइट नी, हाथ अटका दो, एंकल पकड़ो और ट्विस्ट करो, जिसको पॉसिबल है उसने हैंड्स इन डालना है, पीछे से पकड़ लेना है एंड लाई डाउन करना है। कीप स्ट्रेचिंग, ट्विस्ट को इंक्रीज करो, ऑपोजिट वॉल देखने का ट्राई करो, चेंज, चेंज द लेग, लेफ्ट लेग ऊपर, राइट एल्बो टुवर्ड्स लेफ्ट नी, हाथ अटका दो, एंकल पकड़ो, हाथ पीछे एंड ट्विस्ट, जिसको पॉसिबल है उसने अंदर से हाथ डालना है, पीछे से पकड़ना है एंड लाई डाउन करना है, दोनों प्लेक्स स्ट्रेट, चेंज। नाउ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करो, टोटोज करके नी स्ट्रेट करने का ट्राई करो, जिसको पॉसिबल है पाम्स नीचे टच करके नी स्ट्रेट करने का ट्राई करो एंड स्टैंडिंग पोजिशन, ब्रेक फॉर 30 seconds। स्टैंडिंग पोजिशन, हैंड्स जॉइन नी जॉइन, सामने पॉइंट पे देखो, नाउ स्प्रेड योर लेग्स एज मच एज यू कैन, हाथ इंटरलॉक्ड, हाथ ऊपर एंड स्ट्रेच टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, राइट हैंड को देखते रहना है, हिप्स को बाहर नहीं निकालना है, सिर्फ साइड बेंड करना है, कीप स्ट्रेचिंग एंड कीप स्ट्रेचिंग। नाउ चेंज टुवर्ड्स राइट साइड, लेफ्ट हैंड को देखते रहना है, ऊपर वाले हाथ को देखते रहना है, कीप स्ट्रेचिंग, हिप्स का पोजीशन चेंज नहीं होगा और साइड बेंड करते रहना है, चेंज, राइट टो टिप आउट, हाथ पीछे मुट्ठी बंद, फॉरवर्ड बेंड एंड शोल्डर स्ट्रेच टुवर्ड्स राइट लेग, अपना सर नीज को टच करके शोल्डर आगे लेने का ट्राई करो, हाथ को आगे लेने का ट्राई करो एंड चेंज। नाउ लेफ्ट टो टिप आउट, फॉरवर्ड बेंड एंड शोल्डर स्ट्रेच टुवर्ड्स लेफ्ट लेग, कीप स्ट्रेचिंग, नाइस एंड ईजी, कीप स्ट्रेचिंग एंड चेंज, ड्रॉप डाउन योर नीज, हाथ स्ट्रेट आगे एंड चेस्ट स्ट्रेच करना है, जितना हो सके हाथों को स्ट्रेच आगे लेके जाओ, कोर अंदर खींच के रखना है एंड चेस्ट स्ट्रेच करना है, अपना चेस्ट जमीन पे टच करने का ट्राई करो, कीप स्ट्रेचिंग, नाइस एंड ईजी, कीप स्ट्रेचिंग, चेंज यही पोजिशन में, एल्बो डाउन करना है, हाथों से नमस्ते करना है, सामने देखना है, कोर अंदर खींच के रखना है और चेस्ट को जमीन पे टच करने का ट्राई करना है, फील द नाइस स्ट्रेच इन योर चेस्ट एंड शोल्डर्स, कीप स्ट्रेचिंग, चेंज, सेम पोजिशन, नाउ सर नीचे टच करना है, हाथ पीछे मुट्ठी बंद करनी है एंड शोल्डर स्ट्रेच करना है, बॉडी को आगे पुश करते हुए हाथों को आगे लेके आने का ट्राई करो, जितना हो सके हाथों को आगे लेके जाने का ट्राई करो, कीप स्ट्रेचिंग, नाइस, चेंज यही पोजिशन में, नाउ लेफ्ट हैंड नीडल, लेफ्ट हैंड पूरा अंदर डालना है, राइट हैंड ट्विस्ट करते हुए अपोजिट थाई पकड़ना है एंड ट्विस्ट को इंक्रीज करना है, ट्राई टू इंक्रीज द स्ट्रेच एज मच एज पॉसिबल, अपोजिट वॉल देखने का ट्राई करो, चेंज यही पोजिशन में, राइट हैंड अंदर नीडल डालना है, शोल्डर डाउन करना है, ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट हैंड से आपका अपोजिट थाई पकड़ना है एंड थाई का हेल्प लेते हुए ट्विस्ट को इंक्रीज करना है, अपोजिट साइड देखने का ट्राई करो, नाउ चेंज, पैर सामने लो, लाई डाउन योर बैक, गेट रेडी फॉर डीप ब्रीथ, यानी चक्रासन के लिए रेडी हो जाओ, हाथ और पैर स्ट्रेट करने हैं एंड अप, होल्ड, जितना हो सके स्ट्रेच करके होल्ड करने का ट्राई करो, दोनों हाथ और पैर स्ट्रेट करने का ट्राई करो, कीप स्ट्रेचिंग, नाउ चेंज, पैर स्ट्रेट, नाउ आपको राइट पैर फोल्ड करना है, लेफ्ट एल्बो टुवर्ड्स राइट नी, हाथ अटका दो,
एंगल पकड़ो और ट्विस्ट करो। जिसको पॉसिबल है उसने हैंड्स इन डालना है, पीछे से पकड़ लेना है एंड लाई डाउन करना है। कीप स्ट्रेचिंग, ट्विस्ट को इंक्रीज करो, ऑपोजिट वॉल देखने का ट्राई करो। चेंज द लेग, लेफ्ट लेग ऊपर, राइट एल्बो टुवर्ड्स लेफ्ट नी, हाथ अटका दो, एंकल पकड़ो, हाथ पीछे एंड ट्विस्ट। जिसको पॉसिबल है उसने अंदर से हाथ डालना है, पीछे से पकड़ना है एंड लाई डाउन करना है। दोनों प्लेक्स स्ट्रेट। चेंज नाउ, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करो टोटोज करके, नी स्ट्रेट करने का ट्राई करो। जिसको पॉसिबल है पाम्स नीचे टच करके नी स्ट्रेट करने का ट्राई करो। एंड स्टैंडिंग पोजिशन, ब्रेक फॉर 30 seconds। स्टैंडिंग पोजिशन, हैंड्स जॉइन नी जॉइन, सामने पॉइंट पे देखो, नाउ स्प्रेड योर लेग्स एज मच एज यू कैन, हाथ इंटरलॉक्ड, हाथ ऊपर एंड स्ट्रेच टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, राइट हैंड को देखते रहना है, हिप्स को बाहर नहीं निकालना है, सिर्फ साइड बेंड करना है। कीप स्ट्रेचिंग एंड कीप स्ट्रेचिंग, नाउ चेंज टुवर्ड्स राइट साइड, लेफ्ट हैंड को देखते रहना है, ऊपर वाले हाथ को देखते रहना है, कीप स्ट्रेचिंग, हिप्स का पोजीशन चेंज नहीं होगा और साइड बेंड करते रहना है। चेंज राइट टो टिप आउट, हाथ पीछे मुट्ठी बंद, फॉरवर्ड बेंड एंड शोल्डर स्ट्रेच टुवर्ड्स राइट लेग, अपना सर नीज को टच करके शोल्डर आगे लेने का ट्राई करो, हाथ को आगे लेने का ट्राई करो। एंड चेंज नाउ, लेफ्ट टो टिप आउट, फॉरवर्ड बेंड एंड शोल्डर स्ट्रेच टुवर्ड्स लेफ्ट लेग, कीप स्ट्रेचिंग नाइस एंड ईजी, keep stretching and change, drop down your knees, heart straight aage and chest stretch karna hai, jitna ho sake haathon ko stretch aage leke jao, core andar kheench ke rakhna hai and chest stretch karna hai, apna chest zameen pe touch karne ka try karo, keep stretching nice and easy, keep stretching, change yahi position mein, elbow down karna hai, haathon se namaste karna hai, samne dekhna hai, कोर अंदर खींच के रखना है और चेस्ट को जमीन पे टच करने का ट्राई करना है। फील द नाइस स्ट्रेच इन योर चेस्ट एंड शोल्डर्स, कीप स्ट्रेचिंग, चेन सेम पोजीशन, नाउ सर नीचे टच करना है, हाथ पीछे मुट्ठी बंद करनी है एंड शोल्डर स्ट्रेच करना है, बॉडी को आगे पुश करते हुए हाथों को आगे लेके आने का ट्राई करो, जितना हो सके हाथों को आगे लेके जाने का ट्राई करो, कीप स्ट्रेचिंग नाइस, चेंज यही पोजिशन में, नाउ लेफ्ट हैंड नीडल, लेफ्ट हैंड पूरा अंदर डालना है, राइट हैंड ट्विस्ट करते हुए अपोजिट थाई पकड़ना है एंड ट्विस्ट को इंक्रीज करना है, ट्राई टू इंक्रीज द स्ट्रेच एज मच एज पॉसिबल, अपोजिट वॉल देखने का ट्राई करो। चेंज यही पोजिशन में, राइट हैंड अंदर नीडल डालना है, शोल्डर डाउन करना है, ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट हैंड से आपका अपोजिट थाई पकड़ना है एंड थाई का हेल्प लेते हुए ट्विस्ट को इंक्रीज करना है, अपोजिट साइड देखने का ट्राई करो। नाउ चेंज, पैर सामने लो, लाई डाउन योर बैक, गेट रेडी फॉर डीप ब्रिज, यानी चक्रासन के लिए रेडी हो जाओ, हाथ और पैर स्ट्रेट करने हैं एंड अप, होल्ड जितना हो सके स्ट्रेच करके होल्ड करने का ट्राई करो, दोनों हाथ और पैर स्ट्रेट करने का ट्राई करो, कीप स्ट्रेचिंग, नाउ चेंज स्ट्रेट, नाउ आपको राइट पैर फोल्ड करना है, लेफ्ट एल्बो टुवर्ड्स राइट नी, हाथ अटका दो, एंगल पकड़ो और ट्विस्ट करो। जिसको पॉसिबल है उसने हैंड्स इन डालना है, पीछे से पकड़ लेना है एंड लाई डाउन करना है। कीप स्ट्रेचिंग, ट्विस्ट को इंक्रीज करो, ऑपोजिट वॉल देखने का ट्राई करो। चेंज द लेग, लेफ्ट लेग ऊपर, राइट एल्बो टुवर्ड्स लेफ्ट नी, हाथ अटका दो, एंकल पकड़ो, हाथ पीछे एंड ट्विस्ट। जिसको पॉसिबल है उसने अंदर से हाथ डालना है, पीछे से पकड़ना है एंड लाई डाउन करना है। दोनों प्लेक्स स्ट्रेट। चेंज
नाउ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करो टोटोज करके, नी स्ट्रेट करने का ट्राई करो जिसको पॉसिबल है, पाम्स नीचे टच करके नी स्ट्रेट करने का ट्राई करो एंड स्टैंडिंग पोजिशन ब्रेक फॉर 30 seconds. स्टैंडिंग पोजिशन हैंड्स जॉइन नी जॉइन स्टमक पॉइंट पे देखो नाउ स्प्रेड योर लेग्स एज मच एज यू कैन, हाथ इंटरलॉक्ड, हाथ ऊपर एंड स्ट्रेच टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, राइट हैंड को देखते रहना है, हिप्स को बाहर नहीं निकालना है, सिर्फ साइड बेंड करना है, कीप स्ट्रेचिंग एंड कीप स्ट्रेचिंग. नाउ चेंज टुवर्ड्स राइट साइड, लेफ्ट हैंड को देखते रहना है, ऊपर वाले हाथ को देखते रहना है, कीप स्ट्रेचिंग, हिप्स का पोजीशन चेंज नहीं होगा और साइड बेंड करते रहना है. चेंज राइट टू टिप आउट, हाथ पीछे मुट्ठी बंद, फॉरवर्ड बेंड एंड शोल्डर स्ट्रेच टुवर्ड्स राइट लेग, अपना सर नी को टच करके शोल्डर आगे लेने का ट्राई करो, हाथ को आगे लेने का ट्राई करो एंड चेंज. नाउ लेफ्ट टू टिप आउट, फॉरवर्ड बेंड एंड शोल्डर स्ट्रेच टुवर्ड्स लेफ्ट लेग, कीप स्ट्रेचिंग नाइस एंड ईजी, कीप स्ट्रेचिंग एंड चेंज, ड्रॉप डाउन योर नीज, हाथ स्ट्रेट आगे एंड चेस्ट स्ट्रेच करना है, जितना हो सके हाथों को स्ट्रेच आगे लेके जाओ, कोर अंदर खींच के रखना है एंड चेस्ट स्ट्रेच करना है, अपना चेस्ट जमीन पे टच करने का ट्राई करो, कीप स्ट्रेचिंग नाइस एंड इजी, कीप स्ट्रेचिंग. चेंज यही पोजिशन में, एल्बो डाउन करना है, हाथों से नमस्ते करना है, सामने देखना है, कोर अंदर खींच के रखना है और चेस्ट को जमीन पे टच करने का ट्राई करना है, फील द नाइस स्ट्रेच इन योर चेस्ट एंड शोल्डर्स, कीप स्ट्रेचिंग. चेन सेम पोजिशन, नाउ सर नीचे टच करना है, हाथ पीछे मुट्ठी बंद करनी है एंड शोल्डर स्ट्रेच करना है, बॉडी को आगे पुश करते हुए हाथों को आगे लेके आने का ट्राई करो, जितना हो सके हाथों को आगे लेके जाने का ट्राई करो, कीप स्ट्रेचिंग नाइस. चेंज यही पोजिशन में, नाउ लेफ्ट हैंड नीडल, लेफ्ट हैंड पूरा अंदर डालना है, राइट हैंड ट्विस्ट करते हुए अपोजिट थाई पकड़ना है एंड ट्विस्ट को इंक्रीज करना है, ट्राई टू इंक्रीज द स्ट्रेच एज मच एज पॉसिबल, अपोजिट वॉल देखने का ट्राई करो. चेंज यही पोजिशन में, राइट हैंड अंदर नीडल डालना है, शोल्डर डाउन करना है, ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट हैंड से आपका अपोजिट थाई पकड़ना है एंड थाई का हेल्प लेते हुए ट्विस्ट को इंक्रीज करना है, अपोजिट साइड देखने का ट्राई करो. नाउ चेंज, पैर सामने लो, लाई डाउन योर बैक, गेट रेडी फॉर डीप ब्रीथ, यानी चक्रासन के लिए रेडी हो जाओ, हाथ और पैर स्ट्रेट करने हैं एंड अप होल्ड, जितना हो सके स्ट्रेच करके होल्ड करने का ट्राई करो, दोनों हाथ और पैर स्ट्रेट करने का ट्राई करो, कीप स्ट्रेचिंग. नाउ चेंज, पैर स्ट्रेट, नाउ आपको राइट पैर फोल्ड करना है, लेफ्ट एल्बो टुवर्ड्स राइट नी, हाथ अटका दो, एंकल पकड़ो और ट्विस्ट करो, जिसको पॉसिबल है उसने हैंड्स इन डालना है, पीछे से पकड़ लेना है एंड लाई डाउन करना है. कीप स्ट्रेचिंग, ट्विस्ट को इंक्रीज करो, ऑपोजिट वॉल देखने का ट्राई करो. चेंज, चेंज द लेग, लेफ्ट लेग ऊपर, राइट एल्बो टुवर्ड्स लेफ्ट नी, हाथ अटका दो, एंकल पकड़ो, हाथ पीछे एंड ट्विस्ट, जिसको पॉसिबल है उसने अंदर से हाथ डालना है, पीछे से पकड़ना है एंड लाई डाउन करना है, दोनों प्लेक्स स्ट्रेट. चेंज नाउ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करो टोटोज करके, नी स्ट्रेट करने का ट्राई करो, जिसको पॉसिबल है पाम्स नीचे टच करके नी स्ट्रेट करने का ट्राई करो एंड स्टैंडिंग पोजिशन.